नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो भी बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, जब आपको कभी कोई रिफ़ंड मिलना होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बैंक का नाम, उसकी ब्रांच, उसका कोड, उसका IFSC कोड, अब MICR कोड भी मांगने लगे हैं, जो कि आपके जो चेक बुक होती है उसके बिल्कुल बॉटम में राइट साइड लेफ़्ट साइड में लिखा होता है। दोस्तों वो 9 नंबरों का जो MICR डिजिट होता है, उसकी शुरू की 3 डिजिट का मीनिंग होता है, उसकी सिटी का कोड मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये चेकबुक पर लिखा होता है, और चेकबुक ज़्यादातर लोगों के पास होती नहीं है, चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आजकल छोटे मोटे एडमिशन्स, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ों में MICR कोड को मांगा जाता है। इसको पता कैसे करना है और ये आप कैसे ऑनलाइन पता कर सकते हैं, आपकी किताब पर IFSC कोड लिखा रहता है। आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा वो IFSC कोड यहाँ गूगल पर लिख देना है। मैं आपको सैंपल के लिए दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक IFSC कोड है, ये मैंने लिख दिया है, और आप ये पहली वेबसाइट पर जाएंगे, bankifsccode.com। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको ये प्रॉपर इसने जानकारी दे दी है, और ये बैंक का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कोड क्या है, और ये होता है MICR कोड। इसको आप ध्यान से देखें, इसमें दोस्तों ये दिया हुआ है, ये जो शुरू के 3 हैं 437 आप देख रहे होंगे, ये जो है उस सिटी के कोड हैं, ये 437 जो है उस सिटी का कोड है, ये 002 जो है दोस्तों उस बैंक का कोड है, और ये जो है 018 इसको कहा जाता है कि ये ब्रांच का जो है कोड है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 9 डिजिट से मिलकर बनता है। इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एज प्रिंटेड ऑन चेक बुक। तो चेक बुक ज़्यादातर आम लोगों के पास होती नहीं है, लेकिन MICR कोड आप लोग अपने बैंक का इस प्रकार से पता कर सकते हैं। दूसरे का भी पता करना है दोस्तों, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर मेन उस पर आप टैब पर लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको इस ब्रांच का जो IFSC कोड है, वहाँ आपको ये उसका जो है MICR नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपको मिल गया है। तो 462 जो है उस शहर का कोड है, ये बैंक का कोड हुआ और ये ब्रांच का कोड हुआ। इस तरीके से आप जो है MICR कोड को पता कर सकते हैं। दोस्तों एक और भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी रिसेंटली किया था। आप अगर इस तरीके से लिखेंगे How to find MICR कोड, तो ये जो पॉलिसी बाज़ार की वेबसाइट की पहली लिंक खुल रही है, इसको क्लिक कीजिए, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए आपको IFSC कोड भी नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, आपको चलना है शहर पे। तो पहले मान लीजिए हम यहाँ बैंक ले लेते हैं, और जिस भी बैंक को आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ पर लिखिए, फिर आपको राज्य सेलेक्ट करना है। ये बड़ी कॉमन सी जानकारी है, अगर बैंक में आप खाता रखते हैं तो ये सभी जानकारी आपको होगी ही होगी। इस तरीके से लिख दीजिए, अब यहाँ पर इसकी ब्रांच आ जाएगी। तो हम जो ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये IFSC कोड आ गया है इस ब्रांच का, ये MICR आ गया है, नाम आ गया है, एड्रेस आ गया है, ये प्रॉपर डिटेलिंग है। आप किसी भी बैंक के बारे में यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाती है, और आपको अपने बैंक की जानकारी ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। MICR कोड के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।